नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव राव। डीएलएड कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा व्याख्यान विषय है कक्षा कक्ष और पाठ्यपुस्तक से परे पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में ऐसा माना गया है कि बच्चों का जो विद्यालयी जीवन है वो उनके विद्यालय के बाहरी जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि वह जो कुछ भी विद्यालय में पढ़ता है वो और जो कुछ भी वो अपने विद्यालय से बाहर देखता है, अगर उसमें वह मेल नहीं पाता है, उसमें वह अगर एक जैसी चीज़ें नहीं पाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है वह तो हमारे विद्यालय के बाहर है ही नहीं। इसलिए हमें सबसे पहले हमारे अध्यापन में हमारे इर्द गिर्द के पर्यावरण को पढ़ाने का ध्यान देना चाहिए। हमें अध्येता या बच्चों के आसपास की जो प्रकृति है उसको हमें पढ़ाने में जोड़ना चाहिए, और हमारे बच्चों के आसपास कौन कौन सी वस्तुएं हैं उनको ध्यान देकर के अपने व्याख्यानों में, अपने कक्षा शिक्षणों में अपने बच्चों के अनुभवों को ध्यान देने के लिए प्रयोग करना चाहिए। आइए देखते हैं दिन की शुरुआत कैसे होती है। अमूमन हमारे विद्यालयों में हमारे बच्चों की जो दिन की शुरुआत होती है वो होती है प्रार्थना से। प्रार्थना में वह साथ में खड़े होते हैं, उनका एक यूनिफॉर्म होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो सामने होते हैं जो उनको प्रार्थना सुना रहे होते हैं, और सब बच्चे उनको एक रूप से फॉलो करते हैं, है ना। ऐसा जब हम करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का प्रयोग होता है जिनसे कि अधिगम बढ़ता है। पहला चीज़ भाषा, क्रिया प्रार्थना की, संपर्क वो अपने हमउम्र और कुछ ऐसे जिनका उनसे अनुभव ज़्यादा है उनकी भाषाओं के साथ में, क्रिया के साथ में संपर्क करते हुए अपना अधिगम करते हैं। ऐसा केवल विद्यालय की इस पहली कार्यक्रम से जो प्रार्थना है उससे नहीं होता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अपने स्कूल में कर रहे होते हैं जिनको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिगम करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ने कुछ और भी क्रियाएं बताई हैं, जैसे चलने की भौतिक क्रियाएं, खोजने तथा स्वयं कार्य करने की क्रियाएं, हमउम्र या वयस्कों की संगत की क्रिया और भाषा का प्रयोग। ऐसा माना जाता है कि पर्यावरण शिक्षण में जब बच्चा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो वो एक भौतिक क्रिया करता है, लेकिन उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना उसके अंदर बहुत सारे ज्ञान का संचार करता है। जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वह खोजता है, और जब वो खोजता है तब वह देखता है कि चलो कुछ हम भी इसमें करके देखते हैं। जब यह स्वयं करते हुए उन चीज़ों को करता है तो उसको उसके साथी जो उसके हम उम्र होते हैं, अथवा अगर कुछ गलत होने की संभावना होती है या कुछ ऐसा है जिसको वो ध्यान दे जिससे कि वो और ज़्यादा बेहतर कर सके, तो उसके वयस्क जो उसके साथ होते हैं वह उसकी सहायता करते हैं। इन सब चीज़ों को करने के लिए वह जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह होती है भाषा। इस बात को इस लिए भी समझना ज़रूरी है कि हर एक बच्चा अलग अलग स्थान से आता है, उसकी अपनी अलग अलग भाषा होती है, और वह अपनी भाषा में अपनी बातों को और आसानी से समझ पाता है, लिख पाता है और बता पाता है। बताना होता है अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति ऐसा माना जाता है कि हमारी उस भाषा में ही सबसे अच्छी होती है जिसमें हम अपने आप को सहज रखते हैं, रख पाते हैं, और हमें उससे प्रेम होता है। तो प्रयास करना चाहिए कि हमें अगर हमारे कक्षा की जो व्यवहार है या अधिगम है उसको अपने जीवन तक लाने का कोशिश करना है तो हमें बच्चों को उनकी भाषा में उनकी अभिव्यक्तियों को सुनने का प्रयास करना चाहिए। अब हम कुछ बात करेंगे ऐसी क्रियाओं की जो हमारे अध्ययन को, हमारे अध्येता को उसके पाठ्यपुस्तक से बाहर लाती हैं। सबसे पहली है अपनी आवाज़ ढूंढो, दूसरी है क्रियाएं करना, तीसरी है खोज करना, और चौथी है जिज्ञासा करना। आइए समझते हैं अपनी आवाज़ को कैसे ढूंढा जा सकता है।
पर्यावरण अध्ययन में सामान्यतया जैसा कि हमने समझा भी है कि शिक्षक को शिक्षण करने पे ध्यान न दे करके अध्येता के सीखने और अधिगम पे ध्यान देना है। इस कार्य को करने के लिए हमें बच्चों को अपनी आवाज़ को ढूंढने के लिए कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं या हम कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले है कहानियों में अपनी आवाज़ ढूंढो। कहानियों को कहना और कहानियों में जो किरदार हैं उनमें से मैं कौन सा हूँ, इसको समझना बच्चों को आवाज़ देता है। कविताओं में कविताओं को गाना, कविताओं की विभिन्न स्थितियों को समझ पाना और समझा पाना और अपने अनुभवों को बताना कविताओं में अपनी आवाज़ ढूंढना होता है। प्रसंगों में अपनी आवाज़ ढूंढने से तात्पर्य है कि हमने कोई बात बताई कक्षा में और इस बात में किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं ऐसी स्थिति को और बता सकता हूँ, मेरे यहाँ भी ऐसा हुआ था। कुछ घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि मैं रास्ते में जा रहा था और मेरी साइकिल पंचर हो गई, साथ ही साथ मैंने किसी आदमी को पेड़ काटते हुए देखा, मैंने उसको रोका। ऐसी घटनाएं उनके जीवन में उनको अपनी आवाज़ ढूंढने के लिए प्रेरित करती हैं। जगहों पर आवाज़ कैसे ढूंढते हैं, सबसे पहली जगह अगर हम सोचें, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अपनी कक्षा में जगह दीजिए, जगह दीजिए उनको बोलने की, जगह दीजिए उनको सोचने की, मौका दीजिए उनको किताबें पढ़ने का, उस पढ़ती हुई पंक्तियों में अपने आप को ढूंढने का, कहाँ पे वो अपने आप को बताना चाहते हैं, कहाँ पे वो अपने आप को कहना चाहते हैं कि हम ये जानते हैं, हम ये कर सकते हैं। अगली जो क्रिया है वह है परिस्थिति में। हम बच्चों को अलग अलग परिस्थितियाँ दे सकते हैं और उन परिस्थितियों में वह कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं वह हम उनको सिखा सकते हैं और बता सकते हैं। अगली जो क्रिया है जिससे कि हम बच्चों के अंदर अधिगम को बढ़ा सकते हैं और उनको उनकी किताबों से बाहर ला सकते हैं वह है नाटक। बच्चों में नाटक जैसे ही नाम लो तो जोश आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई पेड़ बनना चाहता है, कोई सूरज बनना चाहता है, कोई नदी बनना चाहता है। ये है चरित्र चित्रण। जब कोई नदी बनता है तो उसके साथ में उसके अंदर हिलोरे होते हैं, आवाज़ें होती हैं, खुशी होता है। कोई शेर बनता है तो दहाड़ होती है। ऐसे चरित्र चित्रण में, ऐसे नाटकों में वह अपने आप को ढूंढ पाते हैं। वस्तुएं एकत्रित करना। बच्चों को हमें बचपन से ही वस्तुएं एकत्रित करने की एक आदत डालनी चाहिए। आप अध्यापकों ने भी अपने बचपन में कई बार शंख के छोटे छोटे टुकड़े बटोरे होंगे। मुझे याद है आप सीपियां ढूंढते होंगे, समुद्र के किनारे पे गए होंगे तो आपने ज़रूर से शंख के टुकड़ों को बटोर के रखा होगा। ये ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको आज भी याद रखी हैं। कईयों की आदत होती है अपनी पुस्तकों में अलग अलग पत्तियों को संजो करके रखना। याद है आपको आपने पीपल की पत्तियों को कैसे हरे से जालीदार बनाया था? वो होते हैं बस वस्तु एकत्रित करना। ऐसे धीरे धीरे आप इन चीज़ों को अपने घरों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को बचा करके रखने का भी आदत कर सकते हैं, जिनको बोलते हैं वस्तुओं को संभाल के रखना। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा, हमारे घरों में बोरोप्लस की ट्यूब होती है, कोलगेट की ट्यूब होती है, जो थोड़ी सी बची हुई होती है, उसके बाद भी हम बच्चों के सामने उनको हटा देते हैं। लेकिन बच्चे अगर उनको संभाल करके रखते हैं तो कभी ज़रूरत पड़ने पे वह उसका प्रयोग करते हैं, तो उनके अंदर एक सोच पैदा होती है कि वस्तुओं को संभाल के भी रखा जा सकता है और समस्या पड़ने पर उनका प्रयोग किया जा सकता है। वस्तुओं का पूर्ण प्रयोग करना एक और क्रिया है जिसमें कि हम बच्चों के अंदर पर्यावरण अध्ययन के प्रति जागरूकता ला सकते हैं। वस्तुओं का पूर्ण प्रयोग करने का तात्पर्य, जैसे कि अगर मेरे पास पानी की बोतल है तो उसको प्रयोग करने के उपरांत या तो हमें उसको क्रश करके फेंक देना चाहिए, या हम उसमें कुछ दिनों तक पानी फिर से पी सकते हैं, या हम उसको प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। ऐसी क्रियाओं को, ऐसी आदतों को हमें बच्चों के अंदर डाला जा सकता है।
साथ ही साथ अब तो पर्यावरण दिन में ऐसा भी माना जाने लगा है कि कोई भी चीज़ वेस्ट या अपशिष्ट नहीं होती, यानी हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है उसका कोई ना कोई प्रयोग होता है। खोज करना एक और ऐसी क्रिया है जिसमें हम बच्चों को नई वस्तुओं को पहचानने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। नई वस्तुओं को पहचानने के लिए उदाहरण लेता हूँ मैं, हम उनको चिड़ियाघर ले जा सकते हैं जहाँ पे हम नए नए जानवर उनको दिखा सकते हैं। हम वस्तुओं में उनको गाड़ी, ट्रक, रिक्शा, पेड़, गुलाब का फूल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहचानवा सकते हैं जो उनके आसपास होती है। व्याख्यान की शुरुआत में ही हमने बात की थी कि उनके इर्द गिर्द की वस्तुओं से ही हमें आरंभ करना है। इसमें नई वस्तुओं को पहचानना अत्यावश्यक है और पहला चरण है। पहले देखी हुई वस्तुओं को पुनः स्मरण कर लेना। सोचिए, आपने बच्चों को चिड़ियाघर दिखाया और उसने वहाँ पे हाथी देखा। जब आप वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उसने एक और हाथी देखा, तो बच्चे ने तुरंत उसको पहचाना, कहा हाथी। इस चीज़ को बोलते हैं पुनः स्मरण करना, पहले देखी हुई वस्तु को फिर से पुरानी वस्तुओं के साथ में जोड़ पाना। हम अध्यापकों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम बच्चों को जो चीज़ें दिखाएं और बताएं उनको वापस से फिर से कुछ दिनों बाद पुनः स्मरण भी करवाएं। अब हमने नई वस्तु पहचान ली, उनको पुनः स्मरण करना भी सीख लिया, तो उसके बाद हमें खोज करते वक्त क्या प्रयास करना है कि हमने जो पहले वस्तु देखी थी और जो नई वस्तु देखी है उसमें क्या अंतर है। इस अंतर को पहचानना बच्चों के अंदर खोजी प्रवृत्ति को जागृत कर सकता है। स्वाद में अंतर कर पाना, खट्टा है, मीठा है, ठंडा है, ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जिनको बच्चों को हम करा सकते हैं और पूछ सकते हैं, ये कैसा है, ये कैसा है, इसका स्वाद कैसा है। ये जब हम बच्चों के अंदर डालते हैं तो उनके अंदर अंतर कर पाने की स्वाद में और भी अन्य चीज़ों में वह खोज करने की प्रवृत्ति अपने अंदर जागृत करते हैं। साथ ही साथ खोज तब भी होता है जब वह स्थितियों में अंतर कर पाते हैं, जैसे कि चिड़ियाघर में हाथी कैसे था और सड़क पे हाथी कैसे हैं। चिड़ियाघर में क्या हाथी के ऊपर कोई बैठा हुआ था और सड़क पे देखो जो हाथी चल रहा है इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है। ये छोटी छोटी खोज करने की जो प्रवृत्तियां हैं वो स्थितियों में भी हम अपने बच्चों के साथ में कर सकते हैं। अन्य जो क्रिया है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम अध्यापकों को प्रयास करने की क्रिया कोशिश करनी चाहिए, वह जिज्ञासा करना। जिज्ञासा में तीन प्रश्नों को हमेशा ध्यान रखिए। पहला है क्या, दूसरा है क्यों और तीसरी है कैसे। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। आप जब बच्चों को हर एक स्थितियों में जो पर्यावरण से जुड़ी हैं या नहीं जुड़ी हैं उनको क्या, क्यों और कैसे के लिए सदैव प्रेरित करें। वैसे आपने अमूमन देखा होगा बच्चे जब भी नए स्थिति में होते हैं तो पूछते हैं, इतने प्रश्न पूछते हैं कि हम परेशान भी हो जाते हैं कभी कभी और डांट भी देते हैं। लेकिन हमें डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम डांटते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जिज्ञासा को कम करते हैं। तो जिज्ञासा को करने के लिए हमें बच्चों को क्या, क्यों और कैसे के लिए प्रेरित करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे एक चित्र है। इस चित्र में एक चिड़िया को दिखाया गया है। हम प्रश्न कर सकते हैं, आप में से किसने इसे देखा है। सबसे पहला प्रश्न हम मुक्त रूप से पूरी कक्षा के लिए कर रहे हैं। जिस किसी एक को पता होगा या एक से अधिक को पता होगा तो वह इसका नाम, इसकी आवाज़ या कैसी दिखती है बता सकेगा। इस चीज़ को करने के लिए अगर आपने मेरी बात को पहले भी सुना हो तो उनके हमउम्र मित्र सहायता करते हैं कि ये तो ये चिड़िया है। अच्छा,
इस बात का और ध्यान देना पड़ सकता है कि इस चिड़िया को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिया जाता है। अध्यापक के रूप में हमें इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि इसको किसने किसने देखा है और इसका नाम क्या है, एक स्थान पर वह किस नाम से जानी जाती है और दूसरे नाम पर किस नाम से जानी जाती है। अब हमने नाम जान लिया, हमारे सारे साथी बच्चों ने मिल करके बता दिया ये चिड़िया है। अब हमें खाली बच्चों को वहीं तक नहीं रोक देना है, हमें उनसे पूछना है कि इससे जुड़ी हुई कोई बात तुम बता सकते हो, जैसे ये आवाज़ कैसे करती है, कि चलती कैसे है, ये खाती क्या है, और ये क्या अकेले दिखती है या इसके साथ बहुत सारी चिड़िया है। बच्चे बताएंगे इसकी आवाज़ ऐसी होती है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, बच्चे बहुत सारी आवाज़ें निकाल के आपको दिखाएंगे, और कुछ बच्चे तो बिल्कुल वैसी ही आवाज़ें निकालेंगे जैसे ये चिड़िया निकालती है। कुछ लोग बताएंगे इसके पैर तो पीले होते हैं और इसकी चोंच पीली होती है और इसकी आँखों के नीचे भी पीला रंग होता है। कुछ बताएंगे नहीं वो तो काली होती है, तो कुछ बताएंगे अरे वो कीचड़ में चल रही थी ना इसलिए काली हो गई थी, मैंने इसको एक बार पकड़ करके देखा था। ध्यान दीजिएगा, सबने उसको अलग अलग स्थितियों में देखा, सबने उसके साथ में जो साक्षात्कार किया वो अलग अलग स्थितियों में किया। आपको उन साक्षात्कारों में जो विभिन्नता है उसको समझने की ज़रूरत है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या किसी ने इस चिड़िया को पकड़ा है कभी, कोई बताएगा हाँ मेरे घर में एक बार ये मुझे मिली थी। कोई ये भी कह सकता है सर हमने इस चिड़िया को सड़क पे बहुत ही दुखी स्थिति में देखा था। बच्चे अपने अनुभव अपने साथियों के साथ में साझा करेंगे। इन अनुभवों को साझा करने के लिए आपको अलग अलग उदाहरणों को देने की आवश्यकता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, साइकिल। सबसे पहले किसके पास साइकिल है, चित्र ये भी हो सकता है और चित्र कोई और भी हो सकता है जिसको आप दिखा करके पूछ सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चों के पास में ये साइकिल जो दिखती हो वो ना हो, लेकिन उनके पास अपनी साइकिल होगी, तो वो अपनी इस साइकिल के साथ में उस साइकिल के मध्य अंतर बता पाएंगे और वह यह भी बता पाएंगे कि वह अपनी साइकिल से क्या करते हैं। कोई बताएगा कि हम साइकिल से दूध लेने जाते हैं, कोई बताएगा हम साइकिल में घंटी बजाना बहुत पसंद करते हैं, कोई ये बता सकता है कि सर मेरी साइकिल की तो गद्दी ही बहुत टूटी हुई है, कोई ये भी बता सकता है कि सर मैं तो साइकिल को एक टायर पे भी चला लेता हूँ, साइकिल से कोई ये बता सकता है कि मैं विद्यालय आता हूँ, कोई ये भी बता सकता है कि मेरे पिताजी मुझे और मेरी बहन को इस साइकिल पे बैठा करके स्कूल लेने जाते हैं और छोड़ने जाते हैं। अच्छा आपका अन्य प्रश्न हो सकता है आपको साइकिल चलाना किसने सिखाया, आप जानना चाहते हैं कि बच्चे के साथ में उसके परिवार में सीखने के लिए परिवार के जो लोग हैं वो कितनी सहायता करते हैं, वह साइकिल चलाने में उनको मदद करते हैं या नहीं करते हैं, साइकिल के साथ में उनको क्या करना है या नहीं करना है, यह सब वो उनको सिखाते और बताते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि साइकिल चलाने से क्या फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं से तात्पर्य साइकिल चलाने से पर्यावरण को क्या लाभ होता है, जैसे कि सबसे पहले क्योंकि ये ईंधन से नहीं चलता तो इससे प्रदूषण नहीं होता है। कोई ये कह सकता है कि सर इसके चलाने से हमारी सेहत अच्छी होती है, और इसके साथ ही और भी उदाहरण और भी फायदे बच्चे उसको बता सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कैसे कक्षा के इतर बच्चों में पर्यावरण के प्रति सीख लाया जाए उसको समझने में अच्छा लगा होगा। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ों को इस कार्य को करने के लिए प्रयास करना है, जैसे कि भौतिक क्रियाओं पे हमें प्रयास करना है कि वो करें, जैसे भ्रमण करते वक्त वो खोजें, खोजने के साथ में वो हम अपने हमउम्र और वयस्कों की संगत करें, और जो भी वो देखते हैं उसको वो बताएं यानी अभिव्यक्त करें।
इन क्रियाओं को करने के लिए हमें प्रेरित करना है कि बच्चे अपनी आवाज़ ढूंढें, क्रियाएं करें, खोज करें और जिज्ञासा करें। आवाज़ को ढूंढने के लिए उनको कहानियां कहने को हमें प्रेरित करना है, कविताएं पढ़ने को, देखने को, सुनने के लिए प्रेरित करना है, प्रसंगों में अपने आप को जानने के लिए प्रेरित करना है, घटनाओं को जानने का प्रयास करना है, विभिन्न जगहों पर जाना है, विभिन्न परिस्थितियों को समझना है। क्रियाओं को करने के लिए हम बच्चों में नाटक, विभिन्न प्रकार के नाटकों में अपने आप को एक अलग चरित्र बनाने में और उनकी चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना है। हमें कुछ ऐसी क्रियाएं करनी है जिनमें हम बच्चों के अंदर वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए बोलें, एकत्रित करने के उपरांत हम उनको संभालने के लिए कहें, और कुछ ऐसी वस्तुएं जिनको उन्होंने अपने पास रखा हुआ है उसका वह पूर्ण प्रयोग करें, समुचित प्रयोग करने इसके लिए भी प्रयास करना है। साथ ही साथ ऐसी कोई वस्तुएं जो अपशिष्ट के रूप में हमारे आसपास हैं उनका हुआ प्रयोग कैसे कर सकते हैं, विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए, विभिन्न ऐसे प्रायोगिक वस्तुओं को बनाने में जिसको वो अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। हमने यह भी जाना कि बच्चों के अंदर खोज की प्रवृत्ति को लाने के लिए नई वस्तुओं को पहचानना हमारा प्रयास होना चाहिए। उनने जो पहली वस्तु देखी हुई है उसको वो फिर से कैसे पहचान ले इसके लिए प्रयास करना है, और फिर उसके बाद में आपको उनमें अंतर करना है, फिर स्वाद में अंतर कर पाना, स्थितियों में अंतर कर पाना, जिज्ञासा करने के लिए हमें उन्हें प्रेरित करना है क्या, क्यों और कैसे, और साथ ही साथ हमें उदाहरण दे करके इस बात को समझने और समझाने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह बात अच्छी लगी होगी। इस व्याख्यान में आपने कई चीज़ें सीखी होंगी कि कैसे कक्षा से बाहर भी अध्ययन को किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।